अनुष्पम, मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन और खास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं रॉबर्ट वाडर साहब। वाडर साहब बहुत स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क पर, बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए बात करने के लिए। कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपका ट्विटर अकाउंट हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कोविड के दौरान हमने देखा कि आप बहुत एक्टिव थे, फिटनेस का मामला हो, या फिर आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने देखा कि आप इन प्रोटेस्ट डेली अपने घर से लगभग एक घंटे साइकिलिंग कर आते हैं, और फिटनेस तो थी, आप पहले भी साइकिलिंग करते थे लेकिन एक प्रोटेस्ट के रूप में अब आप साइकिल से आते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 15 दिन पर बढ़ रही है, इस पर आप क्या? जब मैं अपने घर से निकलता हूं और अपने दफ्तर के बाहर खड़ा होता हूं या कहीं भी जाता हूं, लोग आके अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि सर इतनी महंगाई बढ़ गई है, ना हमारे पास काम है, ना हमारे पास कुछ भी आमदनी है कि हम अपने परिवार का ख्याल रख पाएं और अपने बच्चों को दवाई या कुछ भी दे पाएं। अब मैं देखता हूं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या इशू है। एक तो कोरोना का इशू था, तो मैंने काफ़ी लोगों को मदद की। जब लॉकडाउन के बाद मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में, जिन्होंने दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया, आज उनके पास कोई काम नहीं था, लॉकडाउन था, कोई आमदनी नहीं थी, कोई वो अपने कमा नहीं पा रहे थे, तो वो अपने गांव जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि गांव में माता पिता हैं, उनके साथ रहेंगे, खाना पीना दो मिल जाएगा, और हम लोग पर कोई साधन नहीं था। उस समय भी वो लोग पैदल गए हैं, उस समय भी मैंने बहुत मदद की उन लोगों को। मैं तब बोलता हूं जब मुझे असर होता है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा, लोगों के लिए मेरे तरफ से जो भी मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, पर पेट्रोल को मैं रोकने के लिए खाली रोड पे उतर सकता हूं। और जो गरीबों की मुश्किलें हैं मैं तभी समझ सकता हूं अगर मैं खुद उस चीज को मैं फील करूंगा। मैं अपने घर से दफ्तर तक साइकिल चलाऊंगा, पसीना बहाऊंगा और गर्मी में चलाऊंगा, ट्रैफिक में चलाऊंगा, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, और बच बचा के ऑफिस पहुंचाऊं जैसे भी। और मैं कहूंगा कि मैं हर रोज करने के लिए राजी हूं कि जब तक लोग, मैं कहूंगा कि हो सकता है मेरे वजह से ये लोग कुछ ना करें गवर्नमेंट, पर एटलीस्ट मैं, और मेरे साथ बहुत लोग जुड़ना चाह रहे पर मैं उसका तमाशा नहीं बनाना चाह रहा हूं। ये मैं साइकिल चलाऊंगा, ठीक है, लोगों को पता चलता है, मीडिया पूछती है कि हम आना चाह रहे हैं, मैंने कहा आप कवर करो जो करो, मतलब कि मैं कल भी चलाऊंगा, परसों भी चलाऊंगा, पर मेरा ये कहना है कि मेरा रोड पे उतरने का खाली एक चीज है, सैद्धांतिक मतलब है कि मैसेज जाए कि हाँ मैं भी हूं, पर तरीके से, पर मैं देखता हूं अगर लोग जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे मीडिया कवर करना चाह रही है, तो उसका गलत ही क्यों जाता है कि मैंने कौन सा सूट पहना है, मैंने कौन सा बूट पहना है, या मैं कैसी साइकिल चला रहा हूं, या पीछे गाड़ी है ये वो। देखो मैं भी परिवार वाला आदमी हूं, मेरे परिवार भी थोड़े से घबराते हैं और मेरे को सुरक्षित देखना चाह रहे हैं कि मैं ये मुद्दा लेके आगे जा तो रहा हूं, पर मेरे भी बच्चे हैं जो पूछते हैं और बात करते हैं। दूसरी बात है अगर मैं कोई और पोशाक पहनूं खाली प्रिटेंशन के लिए, वो गलत होगा। जैसे मैं हर रोज, ये क्यों पहन लिया, जब मैं वहां से घर से यहां तक आ रहा हूं सूट पहन के आता हूं, मेरी मीटिंग होती है, मैं तो ऐसे नहीं जाता हूं मीटिंग के बगैर, मेरे को तो यही सिखाया गया है मेरे पिताजी ने, और मैं सूट चला के आ रहा हूं, और मैंने वही कहा कि मैं अब वही साधन इस्तेमाल करूंगा, पर पोशाक वही पहनूंगा जो मैं हर रोज पहनता हूं, पर मैं साधन ऑफिस आने के लिए, और जिम में मैं सूट थोड़ी ना पहनूंगा, पर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं ऑफिस आ रहा हूं पर साधन बदला है। साधन क्यों बदला है? क्योंकि अगर मैं लोगों की आवाज को आगे बढ़ाऊंगा तभी बढ़ा सकता हूं जब मुझे लगेगा, नहीं जब मुझे असर होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कि मैं, मुझे भी महसूस हो रहा है गर्मी है, पसीना है, मैं अपने मुकाम पर पहुंचना चाह रहा हूं। एक घंटे की राइड थी, ठीक है, और मतलब कि हाँ एटलीस्ट थोड़ा मैं फिट हूं तो मैं आ पाता हूं, पर कोई बुजुर्ग है जो आना चाहेंगे ट्रैफिक के द्वारा ये वो, और वो खाली एक ब्रेड अर्नर होते हैं, तो आज उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल, अपनी स्कूटर साइड में घर रख दिए, कह रहे सर मैं साइकिल ही चला रहा हूं क्योंकि हम इतना नहीं कमा रहे कि हम पेट्रोल 100 रुपए एक लीटर डालें, ठीक है।
तो मेरा ये कहना है कि ना कोई मैं ये कोई नाटकबाजी या कुछ है, मैं लोगों के साथ उनके जो मुश्किलें हैं वो समझना चाह रहा हूं, तभी मैं उनके बारे में बात करूंगा। 16 दौर की बातचीत सरकार ने कहा, हमने विज्ञान भवन में बुलाया, बकायदा 42 लोग आते थे सारे बॉर्डर से, रिप्रेजेंट करते थे किसान को, और किसान उस पर राजी थे कि हाँ ये 42 लोग हैं, हम इनको मानते हैं कि हमको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर। सारी बातचीत होने के बाद भी फेल रही। उसके बाद कहा गया कि साहब हम 18 महीने के इस कानून को रोक देते हैं। किसानों का नहीं साहब, आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए, एमएसपी पे हमें एक रिटर्न रिप्लाई दे दीजिए, हम मान लेंगे। एमएसपी पे रिटर्न रिप्लाई नहीं मिला, सरकार ने साफ कह दिया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। उसके बाद ये आंदोलन आगे बढ़ा और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो हमने भी देखा और आपने भी देखा। अभी भी हर जगह लोग बैठे हुए हैं, अभी भी सरकार कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आई एम वन फोन कॉल अवे फ्रॉम फार्मर्स। ये मसला सुलझेगा कैसे, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, लोग बैठे हुए हैं, जगह जगह रैलीज हो रही हैं, किसान का आंदोलन और तेज हो रहा है, सरकार कह रही है हम बात करना चाहते हैं लेकिन बातचीत का कोई मसौदा नहीं है, क्योंकि बात वही फंसी है कि आप या तो कानून वापस दीजिए या तो जैसे चल रहा है चल। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, उन्होंने 42 लोगों को बुलाया है, ये वो, ये सारे ऑप्टिक्स है खाली बुलाने के लिए। पर आज अगर कोई रिजोल्व होता, उन्होंने किया होता है, उनकी बात सुनी होती, 42 लोगों की बात सुनी होती, आज हम ये मुद्दा खत्म हो जाता, ये जो बिल्कुल ये खत्म हो सकता था। पर वो सुन नहीं रहे, वो बस उनको बुला लेंगे, टीवी पे आ जाएगा, पर मतलब की बात कोई खत्म नहीं होगी और ये चलता रहेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर आप उनके मंडी को प्राइवेटाइज करेंगे, वहां पेट्रोल पंप डालेंगे, ये वो, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं, ये खाली दो लोगों को ये सारी चीजें जाएंगी। हम दो, हमारे जो राहुल गांधी ने लोकसभा में नारा दिया है, क्योंकि अगर आप प्राइवेटाइज करोगे तो किसान लोग अपनी मंडी कैसे इस्तेमाल करेंगे, नए तौर तरीके बनेंगे, उनको लग रहा है, उनको महसूस है कि हम तो मर ही जाएंगे, हम वैसे ही मर रहे हैं, वैसे ही आज आज भी मैंने देखा है कि दो लोग ने अपनी सुसाइड किया है, 167 और हर रोज हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी उन्हें तो ये चलता ही रहेगा। और अब ये दुनिया भर में हो गया है, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, और कोई अगर उसके बारे में ट्वीट करेगा तो पूरा फोकस उन पे चल जाएगा। ट्वीट करूंगा रॉबर्ट, एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, ये तो एक पक्ष हो गया, लेकिन जो 26 जनवरी को हमने देखा कि जिस तरीके से ट्रैक्टर्स आए, लाल किले पर लोग चढ़ गए, उसके सरकार ने कहा कि इंटेलिजेंस इंप्रूव ने कहा कि भाई खालिस्तान का भी इसमें हाथ हो सकता है, फ्लैग्स फहराए गए, उसके बारे में मेरी राय ये है कि हम लोग भी रोड पे थे, हम लोग जो पुलिस ने अपना सारा बैरिकेडिंग किया हुआ था, हम भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं दिल्ली के बारे में, इतना ज्यादा टाइट था सिक्योरिटी, जो उन्होंने पैरामीटर जो भी फोर्टिफाई किया था, बैरिकेडिंग किया था, वो कैसे स्लिप हो गया कि इतने लोग बाहर आ गए, कैसे किस तरीके से वो आए हैं। सबका दो माइंड है आज कि आप दिशा के ऊपर जिस तरीके से अरेस्ट करोगे तो उसका प्रूफ क्या है, उन्होंने कुछ बोला तो उनको अरेस्ट कर दिया, टूलकिट का मैटर बताया गया, जो भी है हमें जो बताया जाता है आज लोग अब्सॉर्ब नहीं करना चाह रहे। वो अब उनका भी, वो एजुकेटेड है, उनका भी सोच है, उनके पास भी प्लेटफॉर्म है, वो भी बोलेंगे सोशल मीडिया के द्वारा। और जैसे लोग इतने ज्यादा लोग रेड फोर्ट के पास पहुंचे, लाल किले के पास पहुंचे, कैसे किस तरीके से उनको बैरिकेडिंग अलाउ की गई, या मतलब खुल गया, या मतलब वो कौन सा रास्ता ऐसा मिला कि वो पहुंच पाए वहां, लोग कहने रास्ता दिया गया। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से भी है, देश जो हमारे से बात करते हैं, लोग जो हमारे से बात करते हैं, क्या बोलते हैं वो, सेम चीज जो आप दिशा के बारे में बोलोगे, जैसे लोग वहां पहुंचे, जैसे ये 48 लोग वहां हैं कि किसान के मुद्दे के लिए, या हर चीज ऐसी जो है 42 या 48 जितनी भी है, या आज जो कीमतें बढ़ रही हैं, छोटी छोटी कीमतें बढ़ रही हैं, एक टाइम पे बढ़ा नहीं है कि 5-7 रुपए, 16 रुपए, वो 50 पैसे, 48 पैसे ऐसे बढ़ा रहे, पर लोग कह रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ये जो अभी CBI इंटरोगेशन शुरू हो गई है दबाव के लिए, लोग आप दबाना चाह रहे हैं, लोग नहीं दबेंगे। सीबीआई वाली आपने बात की, क्योंकि बंगाल का चुनाव इस वक्त सबसे चर्चा में, आप भी मूव करते होंगे सोशली, तो लोग पूछते होंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में कैसे होगा। मैं एक चीज ये समझना चाहता हूँ, हमने देखा अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं,
उनकी वाइफ और उनकी बहन के ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड छुई। एक दौर ऐसा भी था जब हर चौथे पांचवें दिन हम लोग के पास ये खबर आती थी कि रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर में ईडी की टीम पहुंच गई, सीबीआई की टीम पहुंच गई, इनकम टैक्स पहुंच गई, और एक बहुत लंबे समय तक ये चला, खासतौर से जब यूपी में कुछ चुनाव होता था या प्रियंका जी बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी, तो एक उसका रिपरकशन हम लोग को देखने को मिलता था कि भाई रेड्स हो गई। जैसे मुझे अभी तक याद है कि प्रियंका गांधी जब लखनऊ में थी कैंपेन कर रही थी, उस वक्त आपकी एक डेट शायद जयपुर राजस्थान में कहीं लगी थी, तो शाम को ही वो चार्ट लेके वापस जयपुर गई थी, फिर नेक्स्ट डे आई थी। तो इससे एक वो निकलता है कि भाई एक क्या दबाव की राजनीति सरकार करती है, जो हमने बंगाल में हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने बंगाल का जिक्र किया तो मुझे वो दिन याद आ गया कि प्रियंका गांधी उस कैंपेनिंग लखनऊ में, और उसके बाद आपकी डेट थी, फिर वो एज अ वाइफ आपको एक्टिंग करके आ गई, फिर वापस आई। तो इतनी सारी डेट्स होती हैं इनकम टैक्स की, ईडी की, किस तरफ जा रहा है? देखिए, मेरा तो 10 साल से ये चला आ रहा है, जब भी मेरे परिवार देश के लिए देश के हित में निकलते हैं तो रिपरकशन मेरे ऊपर आता है। अब इतने समय हो गया है कि मेरे पास झेलने की क्षमता आ गई है, कि स्ट्रांग हो गया, कि मतलब कि आप जितने भी एजेंसीज ने जो भी डॉक्यूमेंट मांगे, जितने नोटिस भेजे, 23,000 डॉक्यूमेंट ईडी को, इनकम टैक्स को, सबको दे दिया है जब से मैंने पहला 1 रुपये कमाया है और आज तक, और ये चलता आ रहा है। ये मतलब कि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ मिलने के लिए है ही नहीं, सारा सच है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारा असेसमेंट हो गया है, हर चीज उनको दी गई है, जितने सवाल पूछे उतने सवाल दिए। वो 2 घंटे पहले जाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं सर, आप 2 घंटे और बैठो कि मैं अपने ये कंक्लूड करूं, क्योंकि यार मैं भी आगे बढ़ू ना, इस माहौल में कौन काम करना चाहेगा मेरे साथ। पर ठीक है, मैं अपना जो छोटा मोटा काम है मैं करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है, पर हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम लोग देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के जो मुश्किलें हैं उनके बारे में जरूर जिक्र करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने जो करना है, इन लोगों ने जो करना है करो, जितनी एजेंसी बुलानी है बुला लो। मैं यही देख रहा था कि जैसे ही ये शुरू हुआ दौर की मतलब बंगाल में, तो उन्होंने सीबीआई शुरू कर दिया, इससे पहले क्यों नहीं किया? ये पहले कर सकते थे, इलेक्शन टाइम में कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये जो मीडिया का जो पावर है, ये सारी देश देख रही है और कह रहे हैं गलत है, ये गलत है, ये गलत हो रहा है। मुझे भी बोलते हैं, फिर से आपका मुद्दा बना दिया, प्रियंका जी बाहर निकली है, राहुल निकले हैं, तो कह रहे हैं फिर से आपका मुद्दा बना दिया। और मैं जुडिशरी, देश के जुडिशरी में बिलीव करता हूं, और मुझे लग रहा है जितनी कार्रवाई करनी है कर लो यार, जितना जो करना है करो, पर मतलब कि अब लोग समझ रहे, टोटली समझ गए कि अगर कुछ होता है यार, ये सब चलता नहीं रहता है। जब भी कुछ भी होता है देश भर में, सबको, सारी एजेंसीज को उनके घर भेज देते हैं, कुछ निकलता नहीं है, फिर वो मतलब कि कहते हैं चलो ठीक है, अब अगले बारी जाते हैं, अब मतलब कि हम केरला जाते हैं, केरला में वो जिहाद वगैरह का शुरू हो गया है, पता नहीं क्या शुरू कर रहे हैं। यार वी आर अ डाइवर्स नेशन, डाइवर्स कल्चर, सो मेनी फेथ्स, वी शुड स्टे सेक्युलर यार, वी ऑल हैव टू प्रोग्रेस अहेड एंड डोंट क्रिएट अ रेवोल्यूशन। जो लोग में गुस्सा है, जो मतलब कि वो मुश्किल में पड़ रहे हैं, दुख है, और वो गुस्से में चेंज होगा और वो बाहर निकलेंगे। दो आखिरी सवाल आपसे बहुत क्विक पूछना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव है यूपी, हम देखते हैं आज भी वो मथुरा गई हैं, उनको जाना है, किसान रैली है, सहारनपुर में देखा, निषाद वाला प्रोग्राम था वो प्रयागराज गई, उसके पहले भी गई थी वो फैमिली के साथ गई थी, हालांकि वो पोलिटिकल ट्रिप नहीं था। कैसे बातचीत होती है, क्या आपसे भी वो पूछती हैं कोई इश्यूज के बारे में, कैसे वो डिस्कस करती हैं कि आज मैं इलाहाबाद जा रही हूँ या आज मथुरा जा रही हूँ, तो कैसे कोऑर्डिनेशन आप लोग आपस में कैसे, क्योंकि इधर बिजी शेड्यूल और 1 साल बचा है यूपी के लिए, उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसे आप देखते हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उनको जनरल सेक्रेटरी यूपी का इंचार्ज बनाकर दी, यूपी से ही आती है, यूपी में अमेठी रायबरेली में हम देखते थे, आप भी जब नॉमिनेशन होता है आ जाते हैं, उन्होंने कवर किया है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है 80 सीटों की, जहां से आप कह सकते हैं राजनीति का वर्चस्व जुड़ा हुआ है देश का। देखिए, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूं, लोग चाहते हैं कि मैं खाली मुरादाबाद नहीं, जब इलेक्शन का टाइम था मुझे सबने कहा था कि आप गाजियाबाद से आइए, वहां से चुनाव लड़िए, मुरादाबाद से लड़िए, और कई जगह से, क्योंकि मैंने वहां कैंपेन भी बहुत किया है, 1991 से मैंने कैनवसिंग किया, लोगों के बीच में बैठा, मैं समझाऊं, और काफी बारी मैं वहां गया हूं, और
मैंने देखा है कि वहां वो पूरे देश भर में असल में कि प्रियंका को सब चाहते हैं कि आप उनको रिप्रेजेंट करें. और हाँ, घर पे हम लोग इन चीजों की जिक्र करते हैं, स्पेशली उनकी सेफ्टी की वजह से, क्योंकि वो जा तो रहे हैं, उनके बहुत उनको एक मुश्किल या बहुत ही डिफिकल्ट काम दिया हुआ है, पर वो अपने पूरे मन से लगन से काम कर रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं. कोविड का समय है, लोगों के बीच में है, सुरक्षा का इशू है कि जब उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई, उसके बाद क्रोनोलॉजी में फिर घर हटा दिया गया. हम तो फिर भी आगे बढ़ेंगे, मतलब कि घर जैसे भी है ठीक है, सब कुछ सही है, पर सिक्योरिटी इज एन इशू. हम तो मांगेंगे नहीं, पर एक असेसमेंट होता है कि एक व्यक्ति को एज अ हस्बैंड आपको लगता बिल्कुल लगता है. जब राजीव जी की मौत हुई, इंदिरा जी की मौत हुई, तो एक असेसमेंट होता है कि इस परिवार को किस किस्म की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, किस किस्म का घर मिलना चाहिए. क्यों घर, क्या मतलब कि सिक्योरिटी को कहां लगाएंगे हम? तो ठीक है, वो बात पुरानी हो गई है, हम लोग ठीक है, हम ठीक है जहां हैं, पर मैं कह रहा हूं कि वो पूरे मन लगन से हर रोज जाते हैं, सुबह से शाम तक. मैं तो मिलता नहीं हूं, क्योंकि वो अब सुबह निकलते हैं 8 बजे और 12 बजे रात को आएंगे, फिर अगले दिन कुछ और स्केड्यूल होगा, पर मैं देख रहा हूं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं. और राहुल भी, प्रियंका और राहुल बोथ, और हम लोग डिनर पे बात करते हैं, जब भी समय मिलता है बात करते हैं, बच्चे लोग और हमने, और वो घबराते हैं हम लोग की उनकी सुरक्षित रहे, और बाकी जो उनका सोच है वो लोग समझे और देश को आगे बढ़ाए, लोगों को सहायता दे जितनी दे सकते हैं. तो मैं ये कहूंगा मन लगन पूरे मेहनत से वो काम कर रहे हैं, और आई विश हर द बेस्ट. एक आखिरी सवाल आपसे, एक हाँ बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी का आखिरी सवाल, इसी पे वाइंड अप करूंगा. वो कह रहा है कि भाई राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी को टेक ऑन कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, बाहर हो, कोविड का मुद्दा हो, माइग्रेंट्स का मुद्दा हो, इकोनॉमी का मुद्दा हो, पेट्रोल का हो, टैक्स का हो, चाइना का हो, अब वो समय है कि राहुल गांधी पार्टी को लीड करें. एक एक बड़ा तबका है, हमने कई CWC की मीटिंग्स में देखा, कई जगह देखा कि पार्टी कह रही है कि भाई आप राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाइए तभी पार्टी चलेगी. राहुल गांधी अध्यक्ष थे, हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था. क्योंकि आप भी लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिक्स से आप फिलहाल दूर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घर में इतने सारे पॉलिटिशियंस हो और वो भी हाई वोल्टेज पॉलिटिशियंस, तो ये कहना कि पॉलिटिक्स से दूर है बिल्कुल गलत होगा. क्या ये सही समय है कि राहुल गांधी शुड लीड द कांग्रेस पार्टी? मैंने जब से हमारी शादी हुई, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं पॉलिटिक्स से दूर रहूं, क्योंकि मुझे प्रियंका पसंद थी. ये नहीं है कि उनके मतलब जो पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना हो, पर हाँ घर पे हम लोग इतनी बारी जिक्र करते हैं, और मैंने इतने अप एंड डाउन देखा है जब हम गवर्नमेंट में थे, बगैर गवर्नमेंट के हैं, और बहुत सीखा मैंने रोड पे सीखा, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन लोगों के साथ हूँ. और फिर 2011-12 से बहुत सारे ऐसे बेबुनियाद मुद्दे, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ऊपर, और मैं उस समय से झेल रहा हूँ कि ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया. पहले हिस्ट्री में देखेंगे कि हम भी मुरादाबाद में, हमारे भी काम थे, हमारा बिजनेस था. और मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने जब राहुल पॉलिटिक्स में भी नहीं थे उस टाइम से मैं उनको जानता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि बहुत ही साफ, नेक, समझदार आदमी है, और जो करते हैं अपने दिल से करते हैं. तो पर यह है कि आजकल मुझे लग रहा है कि फोकस हो गया है राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मतलब कि उनको बस ख़त्म करना है, उनको गलत तरीके से दिखाना है. अगर वो बाहर निकलेंगे कोविड के टाइम और लोगों के बीच में रहेंगे, वो बहुत गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होना, ये ठीक नहीं है, सारे मंत्री उठ के बोलने लगते हैं. अगर वो अपने कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, फिर उनके बारे में गलत बोला जाएगा. पर मैं यही देखता हूं कि लोगों को उनको एक मौका देना चाहिए, मौका का मतलब अपने खुले दिमाग से, बगैर कुछ भी देखे हुए, कोई भी मीडिया ये वो, कोई प्रेजम्पशन उनके खिलाफ है, और वो समझे उनको, वो कुछ लेंगे नहीं उनसे, उनको खाली देंगे,
तो मैं ये सोचता हूं कि बहुत ही नेक, साफ, समझदार इंसान है और फ्यूचर अगर वो आगे चलाएंगे कांग्रेस को, आप देखेंगे लोग उनके साथ जुड़ेंगे, चाहे जितने भी, चाहे वो राजीव जी के साथ थे या मतलब जितने भी पॉलिटिशियन हैं, यंग या ओल्ड, देखिए जो जाना चाहेगा हम उनको रोक नहीं सकते और ना रोकना चाहेंगे। अगर उनको लग रहा है कि प्रोग्रेस कहीं और हो सकता है, करें। जब ये सब देश देखेगी कि गलत हो रहा है और वो आगे बढ़ेंगे, हमेशा हमारे पास आएंगे और हम उनके पास भी जाएंगे कि उनके लिए लड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि चाहे ये दौर भी निकलेगा और फिर राहुल उभर के आएंगे और आगे देश को चलाएंगे, मैं तो यही बोलूंगा जरूर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब। कई मुद्दों पर मुखर थे, हमने बातचीत करी, चाहे वो प्रियंका गांधी का मामला हो, राहुल गांधी हो, टैक्स का मामला हो, सब चीजों पर उन्होंने अपनी राय रखी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।